फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में और चैप्टर आपका है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो स्पर्म का जो करेक्ट पाथवे है उसे एक्सप्लेन कर रहा है। पहला ऑप्शन है रेटिटेस्टिस, देन उसके बाद इफ्रेंट डैक्टियोल, देन epididymis and then vas deferens। अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यही एग्जैक्ट पाथ है, रेटिटेस्टिस, इफ्रेंट डक्टियोल यानी कि वास डिफरेंसिया, epididymis एंड वास डिफरेंस। तो कोई और ऑप्शन ना पढ़ते हुए सीधे ऑप्शन करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, द पर्पज सर्व इज फॉर। कह रहे जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर पाया जाता है, एक स्क्रोटम में पाया जाता है, इसका पर्पज क्या है? आपने पढ़ा होगा कि जो इसका पर्पज है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए होता है बॉडी से, लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसीलिए एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम बाहर होता है। ऑप्शन चेक करते हैं, मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, लोअर देन, और लोअर में भी कितना, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ऑप्शन सबसे अच्छा है और यही आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन। सेमिनल प्लाज्मा जो होता है वो किस में रिच होता है, कौन सा कंटेंट उसमें ज्यादा होता है? तो जब भी आप सेमिनल प्लाज्मा की बात करेंगे तो सेमिनल प्लाज्मा में याद रखिएगा फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और सर्टेन एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फ्रक्टोज एंड कैल्शियम हैज नो एंजाइम्स, ये गलत हो जाएगा, ग्लूकोज नहीं, फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम्स एंड पुअर इन कैल्शियम जीनिंग, फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, हिस्टेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ, कह रहे हिस्टेक्टोमी क्या होती है, तो इसमें किसको रिमूव कराते हैं बॉडी से? तो वास डिफरेंस जी नहीं, मेमरी ग्लैंड जी नहीं, यूट्रस, यस यूट्रस को रिमूव किया जाता है, प्रोस्टेट के रिमूवल की भी बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर फाइव, द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू ओवरी इज, अगर आप फैलोपियन ट्यूब के पार्ट की बात करें, पहला सवाल, फैलोपियन ट्यूब का एक और नाम है जिसे ओबीडक्ट कहते हैं, एक बात तो ये। दूसरा, फैलोपियन ट्यूब में तीन पार्ट हैं, जिसमें सबसे क्लोजेस्ट पार्ट अगर हम बात करें ओवरी के तो वो होता है इनफंडिबुलम। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ ओजेनेसिस प्रोसेस इज इनिशिएटेड, कह रहे ओजेनेसिस फीमेल में जो ओवम के फॉर्मेशन के लिए जिस स्टेप को हम परफॉर्म करते हैं, हमारी फीमेल बॉडी में जो ऑपरेट होता है, इसमें ओजेनेसिस के लिए बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ओजेनेसिस की शुरुआत कहाँ होती है, तो प्यूबर्टी में जी नहीं, ये तो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान ऐसा होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज के दौरान ओजेनेसिस की शुरुआत हो जाती है, ऑप्शन सेकेंड। एक अच्छा सवाल है, याद रखिएगा, और ये मेल और फीमेल गैमिट फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी है कि फीमेल में बिफोर बर्थ एंड मेल में प्यूबर्टी के दौरान इस स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत होती है, तो ये भी सवाल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन इज, सर दो ऑप्शन है, एक है स्पर्मियोजेनेसिस, एक है स्पर्मिएशन। देखिए, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है, जब स्पर्मेटेड स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में कन्वर्ट होता है, तो इसे कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। और दूसरा ऑप्शन है स्पर्मिएशन, जब सर्टोली सेल से स्पर्मेटोजोआ अलग होता है तो उसे स्पर्मिएशन कहते हैं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटेड फॉर्म जी नहीं, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्मड व्हाइल स्पर्मिएशन स्पर्मेटेड आर फॉर्म, तो ये भी गलत है, इधर तो इतना सही था। In spermiogenesis, spermatozoa from Sertoli cells are released. Sir,
जी नहीं, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म, ठीक है, व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल या नर्स सेल या सस्टेंटाकुलर सेल। याद रखिएगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, इट्स इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन की करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो अगर आप समझें तो करेक्ट सीक्वेंस है, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया जब मियोटिक डिवीजन स्टार्ट करेगा तो फिलहाल डिफरेंशिएशन से पहले बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मियोटिक डिवीजन से बनेगा। मैं सीधे सीक्वेंस बोल रहा हूँ, प्रोसेस में जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। स्पर्मेटोगोनिया, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड, देन स्पर्मेटोजोआ। तो कह रहे स्पर्मेटोगोनिया के बाद में स्पर्मेटोजोआ, गलत हो जाएगा। स्पर्मेटोगोनिया, देन स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, देन स्पर्मेटिड एंड देन स्पर्मेटोजोआ। तो ऑप्शन आपका सेकेंड सही हो जाएगा। थर्ड फोर्थ भी देखना चाहेंगे आप, पहले स्पर्मेटिड को बना रहे तो गलत है, उसके बाद यहाँ पे स्पर्मेटोड को बाद में बना रहे तो ये भी गलत हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे सेकेंड आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा सीक्वेंस पूछा भी जाता है। अब 9 पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल कॉज रिलीज ऑफ ओवम, यानी ओवुलेशन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा जिम्मेदार है? अक्सर आपने पढ़ा होगा कि जो ओवुलेशन होता है वो 14th डेज पे होता है, यानी 14वें दिन होगा, और इस समय LH का लेवल बहुत बड़ा होता है। ये इस सवाल पे आप याद करके रहते हैं। ऑप्शन चेक करते हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, हमने ऐसा सुना नहीं है, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ये तो बिल्कुल गलत है। LH यानी लो कंसंट्रेशन ऑफ LH, ये भी गलत है, क्योंकि हाई हम ढूंढ रहे हैं, लो कंसंट्रेशन ऑफ FSH, लगता रहा है कोई आंसर सही नहीं। जी नहीं, जब LH टॉप पे होता है उसके थोड़ा सा पहले एस्ट्रोजन का लेवल टॉप पे होता है और वो LH सर्ज को चेक करता है। तो सर जो ऑप्शन लग रहा था कि नहीं हो सकता है वही आंसर है, और फर्स्ट ऐसा ही नीट के एग्जाम में फील होता है। तो याद रखिएगा, इट्स अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन, द फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, मैच करना दोनों को, प्रोलिफरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज एंड मैच्योरेशन। अब देखिए मैच्योरेशन क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। तो जो आपका सी है वो फर्स्ट के साथ मैच कर जाएगा। अब सी के साथ फर्स्ट 2 बजे। अब आइए ए, प्रोलिफरेटिव फेज और सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज क्या होती है, जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और उसमें फिर हार्मोन का सेक्रेशन होता है। तो बी का आपका हो जाएगा सेकंड, और प्रोलिफरेटिव फेज को हम फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड एंड सी का फर्स्ट, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज। आप जानते हैं कि जब 14th डेज पे ओवुलेशन हो जाता है उसके बाद जो ग्राफेन फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट है वो कॉर्पस ल्यूटियम बना लेता है और प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन करता है, बाद में एस्ट्रोजन भी सेक्रेट करता है। तो मेन फंक्शन जो है वो प्रोजेस्टेरोन सेक्रेशन है, साथ साथ एस्ट्रोजन भी सेक्रेट करता है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, एस्ट्रोजन ओनली, ये नहीं गलत है, प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एससीजी, नहीं, रिलैक्सिंग का यहां सेक्रेशन नहीं होता है। तो कह रहे हैं प्रोजेस्टेरोन, मैं साथ साथ बता दूं, प्रोजेस्टेरोन के साथ साथ एस्ट्रोजन भी थोड़ा सा रिलीज करता है। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग अकर्स। देखिए यहां पे सवाल आता है कि जो ऊजेनेसिस है, ऊजेनेसिस आप जानते हैं कि ऊजेनेसिस एक मियोसिस की प्रक्रिया है और ये दो स्टेप में होती है, एक मियोसिस फर्स्ट, एक मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट कब कंप्लीट होता है, जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं, ओवुलेशन के दौरान ये पूरा हो जाता है, ठीक है। लेकिन मियोसिस सेकंड कब कंप्लीट होता है, यानी फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनती है, जब मेंसेस स्टार्ट होंगे, और सेकंड पोलर बॉडी कब बनती है, याद रखिएगा जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा उस दौरान बात करते हैं। और उसमें भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, फर्टिलाइजेशन के पहले बट स्पर्म की एंट्री के बाद। ऑप्शन चेक करते हैं, इस साइमल्टेनियस विद फर्स्ट क्लीवेज, जी नहीं, After entry of sperm but before fertilization, ये बहुत अच्छा सवाल है और ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, आप याद रखिएगा सवाल। क्वेश्चन नंबर 13, कैपेसिटेशन रिफर्स टू चेंजेस इन द, कैपेसिटेशन जो आपका होता है इसमें किस प्रकार के चेंजेस आते हैं? तो याद रखिएगा जो कैपेसिटेशन है इसमें अगर हम चेंजेस की बात करें तो ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। कैपेसिटेशन क्या होता है,
फाइनल स्टेप प्रिपरेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म की बात करेंगे इसमें। सॉरी, तो यहां पे इस प्रोसेस में याद रखिएगा, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म में चेंजेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के पहले। इट्स गुड क्वेश्चन अगेन, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी है जब यूट्रस के अलावा कहीं और पे भी इम्प्लांटेशन हो जाए, तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इम्प्लांटेशन ऑफ डिफेक्टिव एम्ब्रियो, प्रेगनेंसीज टर्मिनेटेड, प्रेगनेंसीज विद जेनेटिक इनफॉर्मिलिटी, एंड फोर्थ इज इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट द साइट अदर देन यूट्रस। ये अच्छा ऑप्शन हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, करेक्ट कौन सा इसमें से प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है? ऑप्शन चेक करते हैं, फैसिलिटेट्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन ग्रुप में काम करता है, ठीक है, सीक्रेट ऑक्सीडेशन एंड ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ऐसा कहीं नहीं पढ़ा हम लोगों ने, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड, फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो, फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो, ये भी ठीक है। फोर्थ, सीक्रेट्स एस्ट्रोजन, सर ये भी ठीक है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में अगर आप प्लेसेंटा को लेकर देखा तो सिर्फ एक ऑप्शन है जो सही नहीं है, बाकी सब ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन ट्रिगर्स रिलीज ऑफ, ठीक है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है? जब बच्चा पार्चुरेट होने वाला होता है तब की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन फ्रॉम फीटल पिट्यूटरी, यानी फीटल पिट्यूटरी से नहीं निकलेगा, ह्यूमन कोरियोनिक, सर इसका कोई काम इसमें नहीं है, HPL का भी कोई काम नहीं है। फोर्थ, ऑक्सीडेशन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, ये बात ठीक है, मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीडेशन निकलेगा जो फीटल इजेक्शन में मदद करेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, तो सर सीधे याद रखिएगा, फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा दोनों सिग्नल देते हैं जिससे कि पार्चुरेशन हो पाए, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुल्ली डेवलप फीटस, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी कह रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट आंसर सीधे याद रखिएगा, और ये सवाल खूब पूछा गया है नीट में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, कोलेस्ट्रम जो येलोइश फ्लूइड होता है जो माँ के मिल्क से निकलता है इनिशियल डेज में, ये इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें मोनोसाइट्स है, जी नहीं, क्योंकि इसमें मैक्रोफेजेस है, जी नहीं, इसमें IgA है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, पढ़ा होगा आपने, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और इसीलिए माँ का कोलेस्ट्रम बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, इन ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ 12th वीक यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी, फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड, 12वें हफ्ते में यानी 12वें हफ्ते के अंत तक क्या बन जाएगा? तो मूवमेंट ऑफ फीटस, नहीं सर ये 5th मंथ में होता है, eyelids and eyelashes are formed, ये 24 हफ्ते पे बनता है, most of the major organ system are formed, ये सही है, head is covered with fine hair, ये भी 5th month पे बनता है, तो option आपका हो जाएगा 3rd option, ठीक है। और last question, question number 20, select the correct option of haploid cells from the following group, करें इन चारों options में से haploid set बताइए, तो primary spermatocyte, सर ये 2N है, primary oocyte, इसको भी आप छोड़ दें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये N है, फर्स्ट पोलर बॉडी ये N है, ओवम ये भी N है, बाकी इसमें भी आप चेक करेंगे तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका आंसर हो जाएगा 3rd। ये तो था आज का वीडियो जिसमें हमने लगभग 20 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सवाल हैं, इससे आपको जरूर फायदा मिल सकता है, एक बार जरूर देखें। कोई किसी प्रकार का कोई सजेशन अगर आपके मन में है तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उस पर भी फोन मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।